मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, और किसी वजह से अगर परेशान भी है ना तो खुश हो जाइए, बिकॉज ये वीडियो आपको थोड़ी सी स्माइल तो ज़रूर देगी। तो आज का दिन लाइक एवरी अदर डे वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे है। दूसरा साइड है वेदर का, आज धूप नहीं है बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा ग्लूमी लगता है, बट घर के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के बाहर के नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आज बारिश भी हो रही है और मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो मैं बस विंडो में से बाहर के नज़ारे इंजॉय कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर शेयर करूँगी, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपना स्किन केयर शेयर करो, और मैंने वो उसकी वीडियो भी बनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो डिलीट हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं मिनिमलिस्टिक अपना स्किन केयर जब दोबारा से करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अपनी खूबसूरती के लिए। मैं जा तो अपना स्किन केयर करने रही थी, बट आ गई किचन में, क्योंकि गोविंद मेरे पास आया बोलने मम्मा भूख लग रही है, तो मुझे लगा पहले मैं उसको बनाना कट करके दे देती हूँ और उसके बाद जाके अपना स्किन केयर करूंगी। हम मदर्स की लाइफ भी कितनी अजीब होती है ना, कुछ काम कर रहे होते हैं और कुछ करने लग जाते हैं, बट मदरहुड ना बहुत ब्यूटीफुल फेज है, स्पेशली अभी जब हमारे बच्चे छोटे हैं, क्योंकि वो हर अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए ना हम पे डिपेंड करते हैं, हर छोटा छोटा काम हमसे करवाना चाहते हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे ना, जब ये अपने सारे काम खुद करने लग जाएंगे, तो शायद हमें पूछेंगे भी नहीं, सब काम खुद ही कर लेंगे। तो यस, जिसके भी बच्चे छोटे हैं ना, अच्छे से इंजॉय करो अपना ये फेज। आई नो कभी कभी इरिटेशन हो जाती है कि यार सारा दिन घर के काम में बच्चे के काम में निकल गया, बट ट्रस्ट मी यार, ये टाइम बहुत जल्दी चला जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि गोविंद अभी पैदा हुआ और अभी 3 साल का हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस ये 3 साल कैसे फास्ट फॉरवर्ड होके निकल गए पता ही नहीं चला। और ऐसे ही करते करते बड़ा हो जाएगा, फिर बाहर चला जाएगा पढ़ने, छोड़ो मैं इमोशनल हो जाती हूँ ये सोच के भी। तो यस, मदरहुड बहुत ब्यूटीफुल फेज है, जब बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके उनका काम करो और इंजॉय करो उनके साथ, क्योंकि ये दिन कभी लौट के वापस नहीं आते। आज लंच में पालक पनीर बनाऊंगी, तो सोच रही हूँ उसकी भी थोड़ी सी प्रेपरेशन करके ही चली जाती हूँ, क्योंकि जब आऊंगी वापस तो थोड़ी सी प्रेपरेशन मिलेगी तो अच्छा लगेगा। और कॉस्को से मैं ये बड़ा वाला स्पिनच बैग मंगाती हूँ, 1.13 kgs का है, ट्रिपल वॉश्ड है, तो मुझे इसमें धोना वगैरह कुछ नहीं पड़ता, तो कुकिंग टाइम काफी रिड्यूस हो जाता है। मैंने करीबन 250 ग्राम पालक ले लिया कुकर में, और 2 roughly chopped टमेटोज इसके अंदर ऐड कर दिए, और थोड़ा सा पानी, मैं करीबन आधा कप पानी बस मैं ऐड करूंगी, क्योंकि पालक अपना भी पानी छोड़ता है, और मैं इसे 1 whistle के लिए कुक कर लूंगी। बेसिकली हमें पालक को ब्लांच करना है। अब हम करेंगे अपना बिजी मम्मा स्किन केयर, तो मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। मैं ये शिया मॉइस्चर का स्क्रब लेकर आई थी, और साथ में मैं ये 2 face mask लेकर आई थी, ब्यूटी 360 के हैं, एक ये ब्राउन शुगर एंड पम्पकिन है और दूसरा वाला रोज एंड पर्ल है। मैंने ये सारी चीजें CVS से ली थी क्रिसमस के टाइम पे, तो उस टाइम पे ना वहाँ पे सेल लगी हुई थी। ये दोनों स्क्रब मुझे $5 के मिले थे, और इसका मुझे प्राइस याद नहीं है, ये भी बहुत सस्ता था, तो मेरा स्क्रब फेस मास्क सब खत्म हो गया था, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ नए ब्रांड का ट्राई करते हैं। और इसका ना सेंट बहुत अच्छा है, मुझे इसका सेंट बहुत अच्छा लगता है। और ये ब्राउन शुगर एंड पम्पकिन फेस मास्क मैं एक बार पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने बता रही हूँ ना आपको, मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, तो उसी दिन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। ये 2 इस तरीके के पॉड्स आते हैं, तो आप पॉड को ओपन करो और स्क्रब यूज़ कर सकते हो, और एक लिड भी आती है, तो जब आप यूज़ कर लेते हो एक पॉड आप 2 बार यूज़ कर सकते हो, लाइक मैंने एक बार यूज़ कर लिया है और लास्ट इस आज का इसमें बचा हुआ है, तो इसको आप कवर करके रख सकते हो नेक्स्ट टाइम के यूज के लिए। और दूसरे पॉट पे ये देखिए इस तरीके का लिड लगा हुआ है ऑलरेडी, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम यूज करूंगी तो इस वाले को ओपन कर सकती हूँ।
मैंने अभी तक ये वाला रोज एंड पर्ल यूज नहीं किया, तो आई डोंट नो कि ये कैसा है, बट ये पम्पकिन एंड ब्राउन शुगर वाला बहुत अच्छा है। इसके ना ग्रैनुलेटेड पार्टिकल्स हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो मैंने अपना फेस अभी बस वॉश किया है फेस वॉश से, और काफी लोग पूछते रहते हैं कि मैं फेस वॉश कौन सा यूज करती हूँ, तो बहुत बार मैं आप लोगों को दिखा भी चुकी हूँ कि मैं ये लारोश पोजे का फेस वॉश यूज करती हूँ। काफी अच्छा फेस वॉश है। मैं बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ अपने स्किन पे, बट ट्राई करती हूँ कि जो यूज करूँ वो अच्छी कंपनी का हो। मुझे काफी अच्छा लगता है, मेरी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये ओले रीजेनरिस्ट की क्रीम मैं यूज करती हूँ, कॉस्को से लेती हूँ, काफी अच्छी क्रीम है। अगर आपकी ऑयली स्किन रहती है ना तो उसके लिए ये काफी अच्छी है, मतलब राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी प्रोवाइड करती है एंड बहुत ज्यादा ओवर ऑयली भी नहीं करती स्किन को। तो यही सिंपल बेसिक प्रोडक्ट्स में यूज करती हूँ अपनी स्किन पे, इससे अलावा मैं और कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। तो अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं ये थोड़ा सा स्क्रब लेके अपने पूरे फेस को स्क्रब कर लूंगी। स्क्रब करने से क्या होता है, जो डेड स्किन वगैरह होती है ना वो सब निकल जाती है। तो आपको करना तो आइडियली वीक में 2 बार चाहिए, बट जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उतना करती हूँ। कभी कभी तो 2 हफ्ते भी हो जाते हैं जब नहीं हो पाता, बट ट्राई करती हूँ कि हफ्ते में 1 बार तो कर लूँ। स्क्रब करने के बाद ही देखो स्किन काफी क्लियर सी लगती है, मेरी थोड़ी सी रेड हो जाती है, बहुत सेंसिटिव स्किन है मेरी। और इसके बाद मैं ये पम्पकिन एंड ब्राउन शुगर वाला फेस मास्क लगाऊंगी। एक्चुअली ना इसके भी बहुत ग्रैनुलेटेड पार्टिकल्स हैं, तो अगर आपने पहले स्क्रब नहीं भी किया है तो भी आप डायरेक्ट इसे लगा लो क्लीन फेस पे, और उसके बाद आप इसी को ही स्क्रब कर लो तो बहुत अच्छा, इसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। बट मैंने स्क्रब कर लिया है ऑलरेडी और इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस मेरा शावर वगैरह हो गया, और देख लीजिए ये मेरी बेयर स्किन है। मैंने अभी बस नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाया है। एक्चुअली मैं बहुत मेकअप वगैरह यूज़ नहीं करती ना, शायद इसीलिए मेरी स्किन पे ज़्यादा एक्ने या मार्क्स वगैरह हैं नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारा पानी पीजिए और मेकअप से जितना हो उतना दूर रहिए, क्योंकि मेकअप में केमिकल्स होते हैं ना तो बहुत स्किन को हार्म कर देते हैं। तो मैं तो बहुत ही रेयरली मेकअप यूज़ करती हूँ, आप जानते ही हो, हर रोज़ तो मैं व्लॉग्स डालती हूँ, तो डेली का बस यही रहता है, काजल लगा ली, लिपस्टिक लगा ली और बस ऐसे ही आती हूँ मैं, स्किन मेरी बिल्कुल बेयर रहती है। और आज बाल धोए हैं मैंने, मेहंदी लगाने के बाद जब बाल धो ना 1-2 हफ्ते तक इस तरीके से कलर निकलता रहता है, तो देखो मेरा टॉवल भी गंदा हो गया। और जब भी आप बाल धोते हो तो बाल को बांधने के लिए, सुखाने के लिए ना आप इस तरीके का कोई कॉटन का कपड़ा या टॉवल वगैरह यूज़ करो। अगर आप हैवी टॉवल बालों में बांध लोगे ना तो जब बाल गीले होते हैं तो बहुत टेंडेंसी होती है बालों के टूटने की, तो बाल बहुत झड़ते हैं हैवी टॉवल से। तो कोई भी ओल्ड टी शर्ट या इस तरीके का कॉटन का कोई भी कपड़ा हो ना वो आप यूज़ करो। ये पता है क्या है, ये गोविंद का रिसीविंग ब्लैंकेट है। जब गोविंद छोटा था तो मैंने उसके लिए ये एक पैक मंगाया था, 4 का पैक था, ब्लू पर्पल ग्रीन एंड येलो, यस येलो भी था उसमें। तो यस उस टाइम पे मैंने गोविंद के लिए एज अ रिसीविंग ब्लैंकेट यूज किया, और अब ये मैं अपना एक तो मैंने अपना टॉवल बना लिया है, तो इसी से ही मैं अपने बाल ना इस तरीके से सुखाती हूँ, और कोई ड्रायर वगैरह कुछ नहीं लगाती, बस अभी ऐसे ही इन्हें एयर ड्राई होने दूंगी, छोड़ दूंगी खुला। आज ना मेरा बड़ा चिलिंग डे चल रहा है क्योंकि कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो सब चीज़ें आराम से रिलैक्स्ड वे में कर रही हूँ। बाहर बहुत ठंड है तो मैं तो बाहर निकलूंगी नहीं बिल्कुल भी गोविंद को लेके। अभी 2 बज गया है लेकिन मैं ऐसे क्लॉस नहीं मचा रही कि होए मेरा लंच नहीं बना, होए ये काम नहीं हुआ, सब आराम से होगा क्योंकि गोविंद का पेट भरा हुआ है, मेरा भी अभी ऐसे भूख नहीं है मुझे, तो आराम से खाना बनाऊंगी। न्यू पजल गुम हो गया। मैं इसको इसका पजल देकर आती हूँ और उसके बाद फिर आराम से अपनी पालक पनीर बनाएंगे। पालक खाना है, पालक पनीर खाना है आपको? नो नो आप किसी चीज के लिए यस बोलोगे कभी? तो ये देखिए पालक और टमाटर अच्छे से ब्लांच हो गया, और अब मैं इसकी प्योरी बनाऊंगी। और ये सारी चॉपिंग हो गई, अनियन, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक को मैंने आज ग्रेट नहीं कट किया है, बहुत बारीक बारीक, इससे ज़्यादा फ्लेवर आता है सब्जी में। और मैंने पनीर के भी छोटे पीसेस रखे हैं जिससे कि गोविंद के लिए इजी रहे खाना।
घी में हींग जीरा डाल दिया, अब जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली डालूंगी। अब जाएगा प्याज, नमक, अब रूटीन के मसाले ऐड करूंगी, किचन किंग पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। पालक प्यूरी डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। और पनीर साथ ही में ऐड कर दूंगी। और ये देखो मेरी गर्मा गर्म पालक पनीर बन गई है। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करके तुरंत बस गैस ऑफ कर दूंगी और हमारी यम्मी सी पालक पनीर बन के एकदम तैयार है खाने के लिए। काफी लोग पूछते हैं कि इंडक्शन गैस पे हम रोटी कैसे बनाते हैं, तो जैसे हम अपनी नॉर्मल गैस वाले स्टव पे बनाते हैं ना, उसी तरीके से इंडक्शन गैस पे भी बनती है। पहले आप रोटी को थोड़ा सा तवे पे कुक करोगे और उसके बाद ये इस टाइप का ना मैश मिलता है, इंडियन स्टोर पे आपको यहाँ पे हर जगह पे मिल जाएगा, इसके ऊपर रख के फिर हम रोटी को फुलाते हैं। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अपने नॉर्मल गैस वाले स्टफ की तरह रोटी बनके तैयार हो जाती है। गोविंद लंच करके सो गया और मैं बस ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रही थी, टीवी देख रही थी, दीपिका पादुकोण का इंटरव्यू देख रही थी चपाक मूवी का जो कल रिलीज होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये मूवी देखने के लिए। एक्चुअली दो रीजंस हैं। फर्स्ट, मुझे दीपिका पादुकोण ना एज एन एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती है। द वे शी टॉक्स, द वे शी सिट्स एंड द वे शी कैरीज हर सेल्फ ना बहुत अच्छा एलिगेंट लगता है मुझे उन्हें देखना। और दूसरा कि मुझे ऐसे सोशल कॉज पे जो मूवीज़ होती है ना उन्हें देखना बहुत पसंद है। जैसे मैंने अभी बाला देखी थी, अब चपाक आ रही है। आप लक्ष्मी अग्रवाल का टेडेक्स टॉक भी देखिएगा जिसमें उन्होंने बात की है कि उसने मेरा चेहरा बदला है दिल नहीं। इतना अच्छा उन्होंने बोला ना, मुझे सुन के तो गूज़बम्स हो गए थे। एंड कल हम लोग ना ऐसे ही घूमते घूमते आइकिया गए, कुछ खरीदना नहीं था, जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए गए थे। बट ऐसे स्टोर जाओ और कुछ ना खरीद के लेकर आओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब तक मैं जो भी शॉप करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर ना कर लूँ ना, तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कल ही सोच लिया था कि जब मैं कल ब्लॉग बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शॉपिंग ज़रूर शेयर करूँगी। तो वहाँ से मैंने ली ये दो कैंडल्स, ये फ्रिस्केट ब्रांड की है, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। $2 की थी और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत रिफ्रेशिंग थी। वहाँ पे सैम्पल रखा था तो मैंने स्मेल करके देखा था, बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगा ये ले लेती हूँ। वैसे भी मुझे घर में कैंडल्स लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो ये दो ले ली मैंने। उसके बाद मैंने लिया ये फ्रॉथर। कभी कभार कॉफ़ी वगैरह बनाओ या हॉट चॉकलेट मिल्क बनाओ ना तो चाहिए होता है ऐसे, मिल्क पे ऊपर फ्रॉथ आता हुआ अच्छा लगता है। कभी यूज़ करूँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। और एक मैंने ये प्लेट ली लीव शेप की। एक्चुअली मुझे इसका ना बड़ा साइज़ चाहिए था बट वहाँ पे बड़ा साइज़ मिला नहीं मुझे, छोटा ही था, तो मैंने कहा चलो छोटा मिल रहा है छोटा तो ले लो। ये $2 की थी तो एक ले ली। सिंपल सी थी, कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की बट थोड़ा बहुत तो मैं लेकर आई। एंड कल जब मैंने शॉपिंग कर ली ना तो अंशुल बोलने लगे, आई नो तुम विंडो शॉपिंग भी करने आओगी ना तो मुझे पता है थोड़े बहुत पैसे तो फूक ही दोगी, मैं तुम्हारी पावर जानता हूँ। आई सेड यार आइकिया आए हैं, आइकिया में कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा तो कुछ ना कुछ तो खरीदना ही खरीदना है। बट येस, ये थोड़ी सी शॉपिंग थी। और अंशुल आ चुके हैं ऑफिस से, जस्ट अभी अभी आए हैं। अब बनाऊंगी चाय, हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। गोविंद सो रहा है थोड़ी देर से और सोने दूंगी, अभी 4:30 हुआ है। तो या आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ आपने इन्जॉय किया होगा। अगर इन्जॉय किया है और इस ब्लॉग ने अगर आपको इतना सा भी हंसाया है ना तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, लाइक तो बनता ही बनता है।
एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर छोड़िएगा, बिकॉज कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है आप लोगों के साथ, आप लोगों का भी व्यू पॉइंट मुझे पता चलता है। और अगर कोई भी सजेशन है या किसी भी टाइप के आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो करो, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, चैनल का हिस्सा बन जाओ, पार्ट बन जाओ हमारी फैमिली का। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और बहुत सारा अपना ख्याल रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। स्टे वार्म, स्टे हैप्पी, बाय बाय।